नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा सुमन। धरती के भगवान यानी डॉक्टर्स केजीएमयू छोड़कर जा रहे हैं और मरीजों के मुंह से सिर्फ यही निकल रहा है, हे भगवान। जी हाँ, केजीएमयू में डॉक्टर्स की किल्लत है। प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां हर रोज हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, अब उसी संस्थान को डॉक्टर्स एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं। केजीएमयू से डॉक्टर्स के इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। इस महीने की शुरुआत में इंडोक्राइनोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मधुकर मित्तल ने इस्तीफा दिया था। अब न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया है। इस साल कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने केजीएमयू को अलविदा कह दिया है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारण बताया है, लेकिन केजीएमयू प्रशासन ने अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। माना जा रहा है कि इस तरह एक के बाद एक डॉक्टर्स के इस्तीफों से संस्थान को बड़ा झटका लगा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि न्यूरो सर्जरी विभाग की ओपीडी में हर रोज 250 से भी ज्यादा मरीज आते हैं। इनमें ज्यादातर मरीजों को सर्जरी की जरूरत होती है। जिस डॉक्टर ने इस्तीफा दिया है उनका नाम इंडोस्कोपिक न्यूरो सर्जरी के साथ साथ पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी के लिए भी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि विभाग अध्यक्ष बीके ओझा के बाद वो ही एकमात्र पीडियाट्रिक सर्जन थे। मुश्किल ये है कि तमाम कोशिशों के बाद भी केजीएमयू प्रशासन अपने चिकित्सकों को रोकने में नाकाम साबित क्यों हो रहा है। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि सबकी अपनी वजह है, हम किसी की प्रोग्रेस को रोक नहीं सकते हैं। केजीएमयू प्रशासन इस बात को भी मानता है कि यहाँ पर मरीजों का दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस दबाव के बीच डॉक्टर्स का इस तरह एक के बाद एक इस्तीफा देना क्या इस स्थिति को और ख़राब नहीं करेगा? डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीजों को जो तकलीफ हो रही है उसकी जवाबदेही किसकी है? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप कुछ बयान सुनिए। कुछ रिएक्शंस आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी चर्चा करने से पहले हम उनसे तारुफ आपका करवा देते हैं कि कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि सीधे जो मरीज़ हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जो मरीज़ वहाँ पर आते हैं, हमने आपको बताया कि हर रोज़ हज़ारों की संख्या में मरीज़ केजीएमयू में आते हैं, और इसीलिए अगर डॉक्टर्स लगातार छोड़कर जा रहे हैं, एक के बाद एक डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं, तो पहले से ही जो प्रेशर है डॉक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर्स कम हैं मरीज़ ज़्यादा हैं, क्या उसमें इजाफा नहीं होगा? और क्या इसे सिर्फ निजी कारण मानकर चला जाए, या फिर जो इस्तीफों का सिलसिला है उसके पीछे ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है? आखिर किस तरह की वो परिस्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थान से डॉक्टर्स एक के बाद एक करके जा रहे हैं, यही समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अनूप वाजपेयी जुड़ गए हैं हमारे साथ, पीएमएस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईएमए की ओर से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में आपके साथ करना चाहती हूँ डॉक्टर अनूप वाजपेयी जी, जिन डॉक्टर साहब ने अभी इस्तीफा दिया है, अभी स्वीकार नहीं हुआ है इस्तीफा, लेकिन इसके बाद से ही हड़कंप मच गया है, क्योंकि पहले से ही डॉक्टर्स की किल्लत और एक के बाद एक कई इस्तीफे, एक इस्तीफा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं इसी महीने के शुरुआत में हुआ, और अब एक और बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर का इस्तीफा, निजी कारण बताया जा रहा है, लेकिन क्या आप भी इसे सिर्फ निजी कारण मानेंगे, या फिर पूरी व्यवस्था काम कर रही है, कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं जिनकी वजह से ये हालात हैं? तो ये है कि जिस प्रकार से केजीएमयू जैसी संस्थान, जिसको सिर्फ ना कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत में एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, और वहाँ पर जो चिकित्सक तैनात है उसकी जो विधा है, वो एमबीबीएस करता है, उसके बाद एमएस करता है, फिर एमसीएच करता है, और हाईली क्वालिफाइड वो डॉक्टर होता है, मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाती है। कहीं ना कहीं जो शासन तंत्र है, उस शासन तंत्र को ये सोचना चाहिए कि एक डॉक्टर पर लगातार दिन प्रतिदिन आ रहे बोझ से वो किस प्रकार से निपटे। दूसरी सबसे बड़ी एक समस्या ये भी आती है कि अभी हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें चिकित्सकों पर हमले तक हुए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था तक की भी व्यवस्था शासन तंत्र कहीं ना कहीं फेल्योर नज़र आता है। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से एक डॉक्टर अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय अपनी शैक्षिक योग्यता को हासिल करने में लगाता है, उसके बाद वो नौकरी करता है, और नौकरी में भी केजीएमयू जैसी संस्था जहाँ पे प्रतिदिन हज़ारों संख्या में मरीज आते हैं,
उसका निस्वार्थ भाव से वो सेवा करता है, उसके बावजूद भी जब भी उसकी कहीं व्यक्तिगत कोई समस्या होती है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसकी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उसने अपना जीवन सारा सब कुछ दे दिया उसके बावजूद भी वो चिकित्सक कहीं ना कहीं हतोत्साहित है, उसका मानसिक रूप से उसको इतना दबाव है उस पर कि उस मानसिक दबाव से वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आने वाला समय अगर इसी प्रकार व्यतीत होता रहेगा तो डॉक्टर तो स्वयं रोगी बन जाएगा और वो अवसाद में चला जाएगा तो वो किसी का रोग का निदान कैसे कर पाएगा। और मुझे हाल फिलहाल की घटना ये भी याद आ रही है, इससे पहले भी अभी नेफ्रोलॉजी में डॉक्टर पांडे साहब थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा दे करके आज किसी निजी नर्सिंग होम में या अपने कहीं प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होंगे, कर रहे होंगे, वो भी योगदान दे रहे हैं अपना, समाज में उनका योगदान है। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि सरकारी व्यवस्था का, सरकारी तंत्र में क्यों ऐसा घटना हो रही है? आपके जवाब में दो पहलू हैं, आपके जवाब में दो पहलू हैं, एक एक करके मैं दोनों के ऊपर आती हूँ। एक तो आपने ये कहा जो कि बहुत महत्वपूर्ण समस्या हो सकती है, बहुत गंभीर समस्या हो सकती है किसी भी तरह के संस्थान में अगर हम काम करते हैं, और खासतौर से KGMU की बात कर रहे हैं जो कि प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है। आप कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो निजी समस्याएं हैं, जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं जिनको लेकर के वो कई बार प्रबंधन के पास, प्रशासन के पास जाते होंगे, आप कह रहे हैं कि उन्हें नहीं सुना जाता है, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, यानी कि पूरा जो प्रबंधन है, जो VC साहब है, उनके काम करने का जो तरीका है उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? नहीं, देखिए सवाल ये है सुभा जी कि सवाल खड़ा करना ये विषय नहीं है, विषय ये है कि जो वहाँ पे कुलपति है या वो उस संस्थान के जो भी निदेशक हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं चिकित्सक हैं। अब एक चिकित्सक अगर दूसरे चिकित्सक की भावनाओं को नहीं समझ सकता कि वास्तविक परेशानी कहाँ है, कोई चिकित्सक इतने बड़े संस्थान पे नौकरी छोड़ करके क्यों जाता है, इसके पीछे क्या कारण? तो आप मुझे डिटेल में समझाइए, आप मुझे पॉइंट वार समझाइए कि क्या ऐसी समस्या हुई थी इन डॉक्टर्स के पास, अगर आपकी जानकारी में, आपके संज्ञान में कुछ तरह के मसले हों कि उसको लेकर वो गए हों प्रबंधन के पास और कोई सुनवाई नहीं हुई हो जिसके बाद मजबूरन उन्हें यह फैसला करना पड़ा हो कि अब संस्थान के साथ काम करने से कोई लाभ नहीं है। देखिए सुभा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ, देखिए उनके पीछे, उसके पीछे कुछ कई कारण रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्टर, कोई भी पद नहीं, नहीं, लेकिन ये समझना जरूरी है ना, ये समझना जरूरी है, मैं बता रहा हूँ समझना जरूरी है कि आखिर किस तरह की दिक्कतें मैं बता रहा हूँ कि स्वाभाविक रूप से अगर चिकित्सक है, उस चिकित्सक को एक नंबर ऑफ पेशेंट देखने के लिए अब उसको बाध्य कर दिया जाए कि आप इतने नहीं, इतने आप पेशेंट देखेंगे, उसका भी एक समय है, एक समय निश्चित होना चाहिए, एक उसके जो पेशेंट हैं उसके कितने पेशेंट आए उसकी तादाद निश्चित होनी चाहिए, उसको समय से प्रमोशन मिलना चाहिए, उसकी सैलरी का कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसी उसको मजबूती मिले, आर्थिक व्यवस्था उसकी कैसे सुदृढ़ हो, उसकी रहने की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो। वो डॉक्टर क्या VIP कल्चर से डॉक्टर को आप लगातार, आज भी आप देखिए कई कई घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पे, जबकि आप ये समझिए पूरी व्यवस्था में, शासन तंत्र में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी VIP कल्चर से दूर रहते हैं, उन्होंने कई बार कहा कि इस VIP कल्चर को नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन फिर भी आज क्या हो रहा है, आज संस्थानों में भी VIP कल्चर कहीं ना कहीं पनप रहा है। दो महत्वपूर्ण मुद्दे क्योंकि मैं आपके जवाब से ही जो दूसरा सवाल निकलता है उस पर आने वाली थी, लेकिन आपने जो दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स उन प्रॉब्लम्स को लेकर गिनवाए हैं जो कि डॉक्टर्स फेस कर रहे हैं, उन्हीं के साथ अब आगे मैं बढ़ाना चाहती हूं बात को। आपने ये कहा कि वर्कलोड बहुत है डॉक्टर्स के सामने, और वर्कलोड की वजह से प्रेशर आता है, उस प्रेशर की वजह से डॉक्टर्स यहां से संस्थान छोड़ने को मजबूर होते हैं, ये एक परिस्थिति हो सकती है। दूसरा VIP कल्चर की आप बात कर रहे हैं, और ये दोनों ही प्रॉब्लम्स अगर फेस करने पड़ रहे हैं डॉक्टर्स को तो ये सोचना हमें पड़ेगा। हालांकि कई बार यह भी कहा जाता है, इसे अगर हम किसी और नजरिए से देखना चाहें तो हम कंपेयर कर सकते हैं निजी संस्थानों और सरकारी संस्थानों को। निजी संस्थानों के बारे में यह होता है कि डॉक्टर्स उसको रुख करते हैं क्योंकि वहां पर वर्क प्रेशर कम है, और वहां पर जो सैलरी है, जो उनकी कमाई है, वो भी ज्यादा हो सकती है। तो अपने अपने रीजंस होते हैं, अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपनी प्राथमिकता भी होती है कि क्या जो डॉक्टर है वो किस तरह की प्राथमिकता के आधार पर आगे का फैसला करता है। ये संस्थान ने भी कहा है, KGMU में भी कहा है कि किसी की प्रोग्रेस को हम नहीं रोक सकते हैं। क्या मसला यहीं तक सीमित है? मैं आपके पास भी आऊंगी डॉक्टर PK गुप्ता जी, लेकिन स्पीच प्रियम हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता प्रियम पाठक ने ये पूरी स्टोरी कवर की है, और वहां पर जाकर जो प्रशासन
देख रहे हैं केजीएमयू में जो प्रबंधन के लोग हैं उनसे भी बात की है, मरीजों से भी बात की है। दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठ रहे हैं यहाँ पर प्रियम। एक तो वर्कलोड होता है डॉक्टर्स के ऊपर, और दूसरा कि वीआईपी कल्चर घर कर गया है इन संस्थानों में, जिसे ख़त्म करने की बात सरकारें करती तो हैं लेकिन ज़मीन पर वो ख़त्म नहीं हो पाता है। और जब चिकित्सा संस्थान में इस तरह का कल्चर आ जाए तो डॉक्टर्स को मजबूर होना पड़ता है किसी और विकल्प की तरफ जाने का। प्रियम सुब्रा, देखिए केजीएमसी की बात चल रही है, केजीएमसी में इस्तीफों का दौर जारी है। केजीएमसी एक ऐसा संस्थान है जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी चिकित्सा सेवाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के डॉक्टर पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, ऐसा कोई संस्थान नहीं होगा जहाँ पर शायद ही केजीएमयू के डॉक्टर पढ़े हुए ना मिले यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो डॉक्टरों का इस्तीफे का दौर है वो अब से नहीं चल रहा है, पिछले दो साल से लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं। वजह उसकी सीधी सी बात है कि जिस तरीके से आपने बताया कि जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिस तरीके की उनकी डिमांड रहती है उनको पूरा नहीं किया जाता है। उसके बदले में एवज में अगर वो प्राइवेट संस्थान की ओर रुख करते हैं या किसी और संस्थान की ओर रुख करते हैं तो वहाँ पर जब उन्हें इस तरीके की सुविधाएँ मिलती हैं तो वो उसकी ओर मूव कर जाते हैं, जिस वजह से इस तरीके की स्थितियाँ जो हैं वो बनती हैं। अगर बात करें तो इन समय जिस तरीके से केजीएमयू के अंदर इस्तीफे का दौर जारी है, इस साल की अगर बात करें तो 6 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है, जिसकी वजह से कई विभाग जो हैं वो बंद होने की कगार पर आ गए। नेफ्रोलॉजी विभाग में डॉक्टर संत कुमार पांडे थे, उनके एक ही डॉक्टर थे अकेले, उनके चले जाने के बाद से वो डिपार्टमेंट ही बंद हो गया है, जिस वजह से मरीजों को खासी दिक्कत होती है। डायलिसिस के मरीज जो हैं उसमें देखे जाते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हफ्ते में या महीने में डायलिसिस उनकी की जाए, लेकिन उनके जाने के बाद इस तरीके के जो मरीज हैं उनके लिए संकट बढ़ जाता है। यूरोलॉजी से डॉक्टर मनमीत कुमार थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि सभी जितने भी डॉक्टर हैं जिन्होंने भी इस्तीफा दिया है उन्होंने वजह निजी कारण ही बताए हैं, लेकिन इसके पीछे की जो हकीकत है वो कुछ और है। जिस तरीके से केजीएमयू प्रशासन है वो उससे लगातार जो है नाखुश रहे हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिला है केजीएमयू वीसी की तरफ से लगातार उदासीनता जो है वो देखने को मिलती है। हाँ। जो उनकी डिमांड होती है वीसी की तरफ से उदासीनता है, ये बात बार बार आ रही है कि जो काम करने का तरीका है प्रबंधन का उस पर भी कई सवाल हैं, और इसी को लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे। और साथ ही आप समझिए कि अगर पहले से ही ये कहा जा रहा है कि कई विभाग बंद हो रहे हैं, डॉक्टर्स एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं, पहले से ही ज्यादा मरीजों पर कम डॉक्टर्स हैं, प्रेशर ज्यादा है, तो मरीजों की समस्या को समझना भी हमें बहुत आवश्यक है कि जो मरीज पहले से ही वहां पर आ रहे हैं तमाम आस लगा करके उन्हें लौटना पड़ता है, कई बार कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनकी दिक्कतें कितनी बढ़ जाती हैं जब डॉक्टर्स एक के बाद एक छोड़ने लगते हैं। जिम्मेदारी किस पर है समझने की हम कोशिश करेंगे। केजीएमयू में लगातार डॉक्टर्स के इस्तीफों की वजह से जो मरीजों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, मरीजों के नज़रिए से भी हम इस परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कुछ बयान सुन लीजिए। बात करने की कोशिश की है हमने केजीएमयू के प्रशासन से, प्रबंधन से, उनका क्या कहना है सुनिए। केजीएमसी में ही नहीं पूरे देश के चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों की और शिक्षकों की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये विषय वाकई में सोचनी है। हालांकि सरकार की तरफ से इसमें प्रयास किए जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं जिससे कि नए डॉक्टर्स उत्पन्न होंगे, जब तो वो चिकित्सा शिक्षा के व्यवसाय में आएंगे भी। डॉक्टर पीके गुप्ता, मैं आपके पास आती हूँ, और जैसा कि ये माना जा रहा है कि सिर्फ केजीएमयू में ही नहीं बल्कि तमाम जो चिकित्सा संस्थान हैं वो डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो ओपीडी है उसमें हर रोज़ 250 से ज़्यादा मरीज़ आते हैं, इसमें से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब जब डॉक्टर्स उस डिपार्टमेंट से छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफा हो रहा है, पहले से ही प्रेशर ज़्यादा था, उन मरीज़ों का क्या होगा? इस जिम्मेदारी पर किसी का की नज़र क्यों नहीं जा रही है सर? नहीं, बिल्कुल जायज प्रश्न है। सबसे पहले तो आपने कहा कि डॉक्टर्स भगवान, तो पहली बात तो ये कि डॉक्टर्स भगवान नहीं है, एक प्रोफेशनल है जिसके पास एक हुनर है, जिसके पास एक मानवीय संवेदना है जिससे थ्रू वो काम करता है और इस प्रोफेशन में आया है। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो बेसिक उनकी बुनियादी जो सोच है उस कॉलेज की वो है कि टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च और पेशेंट केयर। लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि मेडिकल कॉलेज को हॉस्पिटल बना दिया गया जहाँ पे रिफरल सिस्टम नहीं है, जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स फेल हैं, जहाँ पे अर्बन पीएससीज फेल हैं, वो सीधा केसेस को अपने मेडिकल कॉलेज में भेज देते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ऑलरेडी जो ओवरबर्डेंड है और भी ओवरबर्डेंड हो जाते हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक न्यूरो सर्जरी की बात है, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है वहाँ की। मैंने जो जानकारी इकट्ठी की, मैं केजीएमसी का ही प्रोडक्ट हूँ, वहाँ की ओटी 24 आवर्स चलती है, वहाँ के रेजिडेंट्स लगातार काम करते हैं,
इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है कि जिस पेशेंट का नंबर सुबह से वेट करते करते शाम तक आ रहा है तो डेफिनेटली उसको आक्रोश तो होगा, लेकिन इसमें यह सोचना ज़रूरी है कि प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज में कितने न्यूरोसर्जन हैं। आपको आज मैं बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पे 18,000 सेंक्शन पोस्ट है उसमें 12,000 के लगभग जो है डॉक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, उसमें एक न्यूरोसर्जन है। क्या गंभीर विषय नहीं है? जो इलाज गोरखपुर में या बदायूं में या कहीं सरकारी व्यवस्था में उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो न्यूरोसर्जरी के केसेस प्राइमरी केयर हो सकता था वो सीधा जो है SGPGI KGMC में आते हैं। तो ये सोचने का विषय है कि न्यूरोसर्जन जो स्पेशलाइज केयर देने वाला है वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेल्योर है। नहीं, चूंकि आप IMA से ताल्लुक रखते हैं और आप लोग जो निजी संस्थान है, जो निजी चिकित्सा संस्थान है, उसके बारे में भी तमाम जानकारियां जुटाते हैं, उस पर भी नज़र रखते हैं, और जो सरकारी संस्थान हैं उसके बारे में भी आप जानकारियां रखते हैं। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स भगवान नहीं हैं, प्रोफेशनल्स हैं। क्या हम ये माने कि सिर्फ ये निजी प्रोग्रेस का मामला है, जो निजी लाभ के लिए एक जगह से दूसरी जगह डॉक्टर्स जाना चाह रहे हैं सिर्फ उसका मामला है, या फिर जो तुलना हम करते हैं कई बार निजी संस्थानों और सरकारी संस्थानों के बीच में, जो सुविधाओं की बात हो रही है जो डॉक्टर्स के पास होती है, जिस तरह का सैलरी पैकेज होता है अगर उसकी भी बात कर लें, जो प्रेशर सरकारी संस्थानों में ज़्यादा होता है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है उसकी बात कर लें, क्या ये तमाम परिस्थितियाँ नहीं बनाती हैं जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि जिन सरकारी संस्थानों में डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है वहाँ से छोड़कर वो जाना चाहते हैं अगर कोई बेटर ऑप्शन मिल गया तो? देखिए, यहाँ पर नियत देखिए, वो मेडिकल कॉलेज में अगर कोई जा रहा है शुरुआती दौर में तो नियत तो उसकी अच्छी है, हम मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पे हम डॉक्टर्स मेकर बनेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम रिसर्च करेंगे और हेल्थ केयर में जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो उदासीन होता चला जाता है। इसलिए जो सिस्टम का सपोर्ट मिलना चाहिए, प्रशासन का सपोर्ट मिलना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में जो हायरार्की है वहाँ पे कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट होता है, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, किसी के पास वो जो अगर पर्सनल व्यक्तिगत कुछ समस्या है उसको लेकर प्रशासन के पास जाता है तो उसको इग्नोर किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो होता है। और उसका जो एक काम करने का एक अपना इनोवेशन है, वो चाहता है कि हम कुछ इनोवेट करें, नहीं कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसमें उसको प्रोग्रेस में बाधा डालती है, तो जाहिर सी बात है वो चाहता है कि जो हमारी नॉलेज है उसका बेहतर हम उपयोग कर सकें, इसलिए वो निजी क्षेत्र को रुख करता है। और निजी क्षेत्र में जब जाता है तो जो उसने सोचा है, जो उसने पढ़ाई की है, उसको अमली जमा पहनाने में समय नहीं लगता है उसको। देखिए, लेकिन डॉक्टर अनूप वाजपेयी जी, निजी क्षेत्र और जो सरकारी क्षेत्र है इसके बीच में जो विरोधाभास है या फिर जो संघर्ष है, जो फर्क है, वो कोई नया नहीं है, और वो सिर्फ चिकित्सा विभाग में ही नहीं है बल्कि किसी भी तरह के विभाग में आप चले जाइए या फिर किसी भी तरह के क्षेत्र में आप चले जाइए, प्रोफेशनल जो क्राइटेरियाज होते हैं, प्रोफेशनल जो फील्ड्स होते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, ये विरोधाभास हर जगह पर है। लेकिन कई बार हम चुनते हैं उसमें से कि हमारी प्राथमिकता क्या है, कि आजकल चिकित्सकों की प्राथमिकता भी ये हो गई है कि निजी क्षेत्र में जरा हम जा करके ज़्यादा पैसे कमा लें, थोड़ा ज़्यादा सैलरी पैकेज मिल जाए। लेकिन अगर KGMU में ये स्थिति है जहाँ पर जो गरीब मरीज हैं वो आ रहे हैं, दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, डॉक्टर्स को आप यकीन मानिए वो वाकई भगवान की तरह मानते हैं, वो समझते हैं कि अगर डॉक्टर के दर्शन हो गए, अगर डॉक्टर उनसे मिल लेते हैं तो उन्हें कितनी खुशी होती है, आप सिर्फ वही बता सकते हैं ये आपको। क्या ये विरोधाभास अब यहाँ बढ़ता जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर अनूप वाजपेयी, सुब्रा जी, सवाल ये है कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, हाँ, दोनों की तुलना नहीं कर सकते। जहाँ तक आर्थिक पैकेज का सवाल है, तो कोई भी चिकित्सक जब पढ़ के आता है तो स्वयं चुनाव करता है कि मुझे मेडिकल कॉलेज में नौकरी करनी है या सरकारी व्यवस्था PMS जैसी संस्था में नौकरी करनी है या निजी क्षेत्र में जाकर के काम करना है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर KGMU जैसे संस्था में नौकरी करने के लिए आता है तो इसका मतलब यह है कि वो मन से, और सिर्फ चिकित्सा के ही रूप में नहीं, आप चिकित्सा शिक्षक के रूप में कार्य करता है वो, आप उसकी भूमिका देखिए, वो एज अ डॉक्टर ही भूमिका नहीं है उसकी शिक्षक की भूमिका है, और शिक्षक की भूमिका होने के नाते यदि क्या उसको मूलभूत सुविधाएं भी सरकार मुहैया नहीं करा सकती है? अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मुहैया करा सकती है तो क्या ऐसे चिकित्सक का मनोबल नहीं गिरेगा? सिर्फ वो डॉक्टर के रूप में ही संस्था पे नहीं, मैं प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज की बात करता हूँ जहाँ से मैं आता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि क्या प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 18,000 के कैडर में आज 12,000 लोग सिर्फ काम कर रहे हैं और उसमें मात्र एक न्यूरोसर्जन है, क्यों?
क्या कभी इस पर कोई चर्चा हुई? क्या इस पर कभी इस बात के लिए पीछे सोचा गया कि आखिर ऐसा है तो क्यों है? क्या कोई डॉक्टर पीएमएस जैसी सर्विस अगर ज्वाइन करता है तो क्या वो मूलभूत सुविधा से भी वंचित रहे? ठीक है, और इसमें दोनों का हर्जा है इसमें। आप मरीजों को अगर देखें, वो इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, डॉक्टर्स कम होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जो डॉक्टर्स हैं उन पर भी प्रेशर होता है। वक्त मेरे पास बहुत कम है, प्रियम के पास मैं जाती हूँ। प्रियम, ये जो कहा जा रहा है मरीजों को कितनी तकलीफ होती है कम डॉक्टर्स जब होते हैं, केजीएमयू का हाल जो है वो आप बयां कीजिएगा, और क्या इस दिशा में नहीं सोचा जा रहा है कि डॉक्टर्स कम है पहले से ही, उन पर प्रेशर है, जो है वो भी छोड़कर जा रहे हैं, क्या कोई स्टेप उठाया गया है इस तरफ अभी तक? सुब्रा, देखिए, आपने जिस तरीके से बात करी कि डॉक्टर्स के जाने की वजह से मरीजों के ऊपर जो है संकट बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है, जो क्योंकि डॉक्टर पहले से ही कम है और जब और छोड़ के जा रहे हैं तो जो बाकी डॉक्टर उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि केजीएमसी की जैसे संस्थान में जहाँ पर चिकित्सा शिक्षा है, यानी कि वो डॉक्टर्स जो है पढ़ाने का भी काम करते हैं, तो संस्थानों में जो डिपार्टमेंट है उनमें शिक्षक भी नहीं बच रहे हैं, यानी कि जो डॉक्टर का प्रोडक्शन होना है आगे के लिए, जो नए स्टूडेंट आने हैं, जो आगे चल के संख्या इनकी बढ़ेगी, उनको पढ़ाने वाले जो डॉक्टर हैं वो भी जा रहे हैं, तो उनके शिक्षक जो हैं जब नहीं, कई डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी अब दूसरे डॉक्टर जरूर उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है उस पर भी इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है मरीजों के ऊपर। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जाहिर है कि जो मरीज है वो भी निजी जो चिकित्सा संस्थान है उधर जाने को प्राथमिकता देते हैं। अब अगर डॉक्टर्स भी सरकारी संस्थान छोड़कर जा रहे हैं और वो निजी संस्थानों का रुख कर रहे हैं, तो समझना होगा कि आखिर जो सिस्टम है उसमें कहाँ पर खामी है, सिस्टम क्यों नहीं आखिर इन डॉक्टर्स को रोक पा रहा है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो आप समझिए कि अभी जो परेशानियाँ मरीजों के सामने हैं वो और बढ़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।